हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो ऑल गुड, ओके फाइन। सो गाइज, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है और हम बहुत डिटेल के साथ कंप्लीट कवरेज करने जा रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 और आज हम उसका पार्ट 2 को कवर करेंगे बहुत डिटेल के साथ। ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इस सेशन को अगर आप ढंग से करते हो तो आप क्लाइमेटोलॉजी के बहुत बड़े एस्पेक्ट को कवर कर लोगे। रीजन है ये चैप्टर बहुत छोटा है, बट कल जैसे मैंने अपनी क्लास के अंदर बताया था कि मैं चीजों को डिटेल में कवर करूंगा, इसी वजह से आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ विंड के बारे में, परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड क्या होती है। उसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और उसी के साथ एक और लेयर है दैट इज आयनोस्फेयर। उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे अपने सेशन में। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग आई थिंक अच्छे होंगे, तो आज आप इस सेशन के अंदर जरूर जुड़िएगा, एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस सेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और मैं बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। I have a teaching experience of more than 6 years. I taught and mentored more than 30,000 of offline, lakhs and crores of online student. And वहीं पर एक वे है, एनिमेटेड तरीके से चीजों को बहुत ईज के साथ पढ़ा रहा हूँ पिछले 6 साल से। अपने ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस में काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्ट भी हो चुके हैं। वहीं पर बात करें हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू, यहाँ पर अगर आपको एक ही जगह कंप्लीट कवरेज करनी है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। रीजन है ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। एक ही लेक्चर को आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, ऐसा नहीं है बहुत सारे जो और लोग हैं वो एक बार आप सेशन देख पाओगे, 2 दिन बाद वो डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट लेक्चर आपको एक ही जगह मिलेंगे, कंप्लीट कवरेज होगा, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने बैचेस स्टार्ट होते हैं उतने बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे पूरा कंप्लीट कवरेज, लास्ट ईयर 333 सिलेक्शन दी है, रीजन है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। वहीं पर गाइज आपके लिए अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं जिसके अंदर आपको लक्ष्य बैच, रिपीटर्स बैच और फाउंडेशन बैच, ये सारे बैचेस आप एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कैपिटल AM10 कोड यूज करना है। दिस इज द कोड कैपिटल AM10 और आपको 50% तक की डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके साथ आपको मेंटरशिप, गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टाइम टेबल, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दीज ऑल आर द बैचेस प्रीलिम्स 2024 के लिए। रिपीटर बैच है, इंडियर बुक 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स, लाइव एजुकेटर, ऑल द PDF नोट्स, सारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको अवेलेबल है। 28 अक्टूबर तक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आप अवेल कर सकते हो इस ऑफर को। उसी के साथ साथ गाइज अगर आप लोन के थ्रू, EMI के थ्रू चीजों को लेना चाहते हो तो याद रखिए आप AM10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सेल्स टीम का किसी का भी कॉन्टेक्ट या कॉल आता है आप बोल दीजिएगा यूज दिस कोड, क्योंकि कोड के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी हेल्प कैसे हो पाएगी, आप चीजों को कैसे कर पाओगे, किस तरीके से कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो पूरा एक चक्रव्यूह है ना, इसमें फंस मत जाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजें अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल है, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। लोन के थ्रू लेना चाहते हो EMI पर विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना, वही पेमेंट करनी है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, दैट इज unacademy_anirudh malik। यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, कॉन्टेक्ट नंबर एंड ऑल आपको मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा। तो आते हैं अपने आज के सेशन के ऊपर बहुत अच्छे से। देखिए गाइज, अभी तक जो हम चीजें पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से, सभी स्टूडेंट एक बार सेशन के अंदर आ जाइए और एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। सारी प्रॉब्लम, सारी समाधान आज आपका होगा। सुबह की क्लास क्यों नहीं हुई थी, कल क्लास क्या होगी, नई चीज क्या आने वाली है, ऐसी बहुत सारी चीजों के अपडेट आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे सेशन के अंदर। ओके, तो गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा आप लोगों ने बोला था कि आराम से चीजें करेंगे तो इस सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाइए। मैं स्टार्टिंग के 2 मिनट से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट कल का जो हमने टॉपिक कवर किया था उसका रिवीजन, और फिर मैं आगे चल के आपको चीजों को डिटेल में कवर करने वाला हूँ। देखिए गाइज, हमारा जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 है एयर, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर आपसे पूछे व्हाट इज एटमॉस्फेयर, देखिए गाइज, हमारी अर्थ जो है उसके सराउंडिंग में जो एनवलप बना हुआ है गैसेस का, वो हमारा एटमॉस्फेयर है, और वो आपका हमारी अर्थ के सरफेस से हजारों किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। और वहीं पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गैसेस का, और वो गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन, मीथेन, जिनोन, हाइड्रोजन। उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में गैसेस है वो है 78% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.36% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.002% नियोन। ये हमारी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। ये चीजें याद रखना जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। वहीं पर गाइस, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वहां पर उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग प्रेशर है, उस बेसिस पर हमने अपने एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया है कि वहां पर हमारी जो गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। उस बेसिस पर हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया है अलग अलग लेयर्स में। वो कैसे डिवाइड किया है, एक बार मैं आपके सामने अच्छे से चीजों को कवर करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। देखिए गाइज, अगर आपको याद करने का तरीका पता होना चाहिए कि कौन सी गैस कितनी कंसंट्रेशन में, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई बताइए हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो 3rd लार्जेस्ट गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। आपसे पूछ लेगा हमारे इस एटमॉस्फेयर में आर्गन 4th लार्जेस्ट नंबर पर या 4th हाईएस्ट प्रोपोर्शन में लाई करती है, तो आपको कैसे चीजें याद रहेंगी, उसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। याद रखना, सबसे पहले लिखना नो और उसके बाद लिखना AC। नो AC, नो का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, A का मतलब आर्गन, C का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। नो AC, उसके बाद लिखना NH, मतलब हमने कोई भी AC नहीं चलाया। फिर हम नेशनल हाईवे पे गए, नेशनल हाईवे में N है नियोन, H है आपका हीलियम, और उसके बाद आता है KM, मतलब हम नेशनल हाईवे पे गए और हमने किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई। दैट मींस नियोन, हीलियम, और K से क्रिप्टॉन और M से मीथेन। ये हमारा परसेंटेज है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है और मीथेन है। ये इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर और जो हमारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उसके बारे में। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट है टेम्परेचर को लेके, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका टेम्परेचर कैसे है, उस चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए गाइस, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हमारी अर्थ है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर अगर हमारी अर्थ है तो इस अर्थ के ऊपर हमारी डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है। सबसे पहली जो लेयर है दैट इज नोन एज द स्ट्रेटोस्फीयर, उस ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। जो सबसे पहली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। उसी के बाद हमारी अर्थ के ऊपर एक और लेयर है जिस लेयर का नाम है आपका दूसरे नंबर पर, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, दैट इज नोन एज द स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद जो हमारी तीसरी लेयर है, जो हमारी अर्थ की ऊपर आपका जो लेयर है तीसरे नंबर पर, एंड दैट इज नोन एज द मीजोस्फीयर, उस लेयर को बोलते हैं मीजोस्फीयर। उसके बाद जो तीसरे नंबर के बाद जो चौथे नंबर की हमारी जो लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस 4th नंबर की लेयर को बोलते हैं थर्मोस्फीयर। उस फोर्थ नंबर की लेयर को बोलते हैं थर्मोस्फेयर। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में हमारी फिफ्थ नंबर पर लेयर है, उस फिफ्थ नंबर की जो लेयर को बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। अब आप बोलोगे सर ये किस किस बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाइड किया है। देखिए आप लोगों को इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ही दिन में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं, क्योंकि अगले दिन आप लोग आते ही नहीं हो। आपको कितना भी बोल लूं कि यार चीजें ऐसे होंगी, चीजें ऐसे होंगी, नहीं सर हम तो अपनी मर्जी से ही आएंगे, एक बार पढ़ लिया उतना ही बहुत है, आगे हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, हम थक चुके हैं। अब ऐसे थकोगे तो यार बताइए कैसे काम चलेगा। अब आप ही बता दीजिए, ऐसे थकोगे तो बता दीजिए कैसे काम चलेगा। आके एनर्जी के साथ किया करो यार। मैं इतने मन से चीजों को लेके आया हूं। मैं एक लेक्चर के अंदर भी एनसीईआरटी के लेवल की चीजें पढ़ा सकता था, बट नहीं पढ़ाई। तो आके चीजों को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की इन लेयर्स के बारे में। वहीं पर अगर हम आगे की तरफ चीजों को समझे गए, जो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। उस ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो आपकी 8 से लेके 18 किलोमीटर के बीच में है, याद रखना। अगर आप अपनी अर्थ से 8 से लेके 18 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो वहां पर जो लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। दूसरी लेयर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की जो हमारी अर्थ की ऊपर का एटमॉस्फेयर है वहां तक लाई करती है। तीसरे नंबर पर जो लेयर है उसका नाम है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच की जो हाइट है दैट इज नोन एज द मीजोस्फेयर। और उसके बाद चौथे नंबर की जो लेयर है उसका नाम है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर ऊपर तक हमारी थर्मोस्फेयर है। उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये 400 किलोमीटर से लेके ऊपर तक का जो हमारा स्पेस है, जो एटमॉस्फेयर है, जिस हाइट तक है, जहां तक गैसेस प्रेजेंट है, वहां पर हमारा कौन सा है? एक्सोस्फेयर है। ये चीज याद रखना। यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कल की क्लास के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर के बारे में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। क्या पढ़ाया था मैंने ट्रोपोस्फेयर के बारे में? एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रोपोस्फेयर के बारे में, हमने बात की थी कि जो ट्रोपोस्फेयर है ये सबसे नीचे की लेयर है। तो जितने भी वेदर फिनोमिना है, ऑल वेदर फिनोमिना, चाहे आपकी लाइटनिंग हो, चाहे थंडर हो, चाहे आपका कुछ भी हो, मतलब अगर मैं बात करूं किसी भी तरीके के वेदर से रिलेटेड कोई भी फिनोमिना हो, चाहे रेनफॉल हो, साइक्लोन हो, एंटी साइक्लोन हो, लाइटनिंग हो, थंडर हो, सब चीजें आपकी कहां पर होंगी? ट्रोपोस्फेयर में होंगी। इससे ऊपर वेदर फिनोमिना नहीं होता, ये चीजें याद रखना। क्योंकि मैंने आपको कल एक कंसेप्ट पढ़ाया था लैप्स रेट का। लैप्स रेट का मतलब होता है ऊपर जाने से टेम्परेचर का गिरना, ऊपर जाने से टेम्परेचर का गिरना। और वो क्यों होता है वो मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है। क्योंकि जब हमारी एयर ऊपर जाएगी तो वो ठंडी होगी, ये आपको पता है। उसी के साथ साथ मैंने दूसरी चीजें बताई थी कि जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी पोल पर जो हाइट है वो 8 किलोमीटर है, और वहीं पर जो इक्वेटर पर इसकी हाइट है वो अप टू 18 किलोमीटर है। रीजन है पोल पर टेम्परेचर लो है तो एयर डिसेंड करती है, और एयर डिसेंड करती है तो इसकी हाइट कम है। वहीं पर इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर हाई है तो एयर क्या करेगी? राइज करेगी, जिसके कारण यहाँ पर 18 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर फैला हुआ है। समझ में आ गया? ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये मैंने आपको समझा दिया लैप्स रेट। और लैप्स रेट अगर मैं बात करूं ये भी समझाया। फिर एक होता है आपको, ये कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझा दिया कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे ट्रोपोस्फेयर में होती है। वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर ये हमारा इक्वेटर है, समझने की कोशिश करना, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा पोल है। अगर आपसे पूछे कि ये हमारा पूरी ट्रोपोस्फेयर है, तो अगर आपसे पूछे कि जो ट्रोपोस्फेयर की टॉप है यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, और वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पोल है इस पोल का जो 8 किलोमीटर की हाइट है वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, मतलब ये कि जो हमारे ट्रोपोस्फेयर है उसका जो टॉप लेयर है, टॉप एयर है, मतलब सबसे ऊपर 18 किलोमीटर की हाइट, वहां पर टेम्परेचर कितना होगा इक्वेटर पर, और वहीं पर जो टेम्परेचर है पोल पर वो सबसे ऊपर कितना होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स के ऊपर आप फटाफट जल्दी से बता दीजिए कितना होगा गाइस, फटाफट जल्दी से बता दीजिए। कितना होगा ये चीज बता दीजिए। देखिए गाइस, आप बोलोगे कि सर पोल ठंडा है। अब पोल ठंडा है तो पोल पर टेम्परेचर कैसा होगा? पोल पर टेम्परेचर कम होना चाहिए। बट गाइज याद रखना, पोल पर जो टेम्परेचर है वो टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर -45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहीं पर जो इक्वेटर है यहाँ पर टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि इक्वेटर ठंडा है। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा इक्वेटर ठंडा क्यों है? सर इक्वेटर इसलिए ठंडा है क्योंकि हमने पढ़ाया था लैप्स रेट, और बोला था कि एयर जितनी ऊपर जाएगी, ऊपर जाने से एवरी 1 किलोमीटर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने से। यहाँ पर एयर कितनी ऊपर जा रही है? 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर ज्यादा कम होगा, इसी वजह से इक्वेटर पर -80 डिग्री है। वहीं पर पोल पर कितनी ऊपर जा रही है? पोल पर सिर्फ 8 किलोमीटर की हाइट पर है, जिसके कारण कम ऊपर जा रही है, तो इस वजह से टेम्परेचर भी कम गिरेगा और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पर? आपका ट्रोपोस्फेयर पर। अभी बहुत अच्छे से चीजें समझाऊंगा मैं आपको। कल मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जब आपने बताया था कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर गिरेगा, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बट सर वो स्ट्रेटोस्फीयर में आके ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रेटोस्फीयर में तो और ऊपर जा रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर गिरना चाहिए था, बट वहां का टेम्परेचर गिरने की बजाय दोबारा इंक्रीज क्यों होने लगा? उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चल के हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए जल्दी से हम बात करते हैं कि सारी चीजें क्यों हो रही है ऐसे ऐसे। उसके बाद दूसरी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फीयर। यहां पर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होती है, फिर मैं बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर दूंगा आज का जो कंटेंट है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फीयर, की जो हाइट है वो अप टू 50 किलोमीटर है। ये चीज आपको याद रखनी है। 50 किलोमीटर तक आपको स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलेगी, ये चीज याद रखना। उसी के साथ साथ इस स्ट्रेटोस्फीयर में आपको प्रेजेंस मिलेगी ओजोन लेयर की। किसकी? ओजोन लेयर की। दैट मीन्स यहाँ पर एक लेयर मिलेगी और उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। कहां पर? आपको स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। समझ में आ गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके जो वेदर फिनोमिना है, वेदर फिनोमिना यहाँ पर नहीं होंगे। याद रखना, वेदर फिनोमिना यहाँ पर नहीं होंगे, ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि सारे वेदर फिनोमिना हमारे कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ट्रोपोस्फीयर के अंदर देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया। उसी के साथ साथ जो स्ट्रेटोस्फीयर का लोअर पार्ट है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर इज द मोस्ट आइडियल कंडीशन। ये क्या है? सबसे ज्यादा आइडियल कंडीशन है किस चीज के लिए? आपके जो एरोप्लेन्स हैं उनके फ्लाई करने के लिए। एरोप्लेन का जो फ्लाई जोन है उसके लिए सबसे आइडियल कंडीशन है स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर है ट्रोपोस्फीयर और उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में तो सारे वेदर फिनोमिना है, तो वेदर फिनोमिना होंगे तो एयर वर्टिकली राइज करेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगी, तो यहाँ पर जो प्लेन है उसको टर्बुलेंस होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो आपका आइडियल कंडीशन है। यहाँ पर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में हम प्लेन्स के लिए परफेक्ट कंडीशन है। अब आप बोलोगे कि सर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर क्यों, हम यहाँ पर क्यों नहीं उड़ा सकते? अरे भाई एक चीज बताइए, अब मैं यहाँ से जमीन से लेके ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा, समझने की कोशिश करना, मैं जमीन से प्लेन लेके जाऊंगा, तो जब मैं उसको ज्यादा हाइट पर लेके जाऊंगा तो मेरा फ्यूल ज्यादा खर्च होगा, तो इस वजह से जहां पर मुझे वो परफेक्ट कंडीशन मिल जाए कि जहां पर मुझे टर्बुलेंस ना हो, वो परफेक्ट कंडीशन कहां पर मिल रही है? लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो मैं यहीं पर उड़ाऊंगा ना। वो कंडीशन मुझे यहां पर भी है, अपर स्ट्रेटोस्फीयर में भी है, बट मैं अपर स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि मैं और ऊपर क्यों जाऊं? क्योंकि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, नीचे आने में फ्यूल ज्यादा लगेगा, तो मैं ये कंडीशन और ये रिस्क क्यों लूं? फालतू में मैं एयरलाइन इंडस्ट्री है उसका एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज करूं? अगर मुझे वही कंडीशन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रही है तो मैं वहीं पर उड़ा सकता हूं। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसका मतलब जो प्लेन है वो तो बिल्डिंग है, उनसे थोड़ा सा ऊपर हाइट पर उड़ा सकते हैं, फ्यूल और कम लगेगा। बिल्कुल उड़ा सकते हैं, बट वहां पर ट्रोपोस्फीयर में क्या है? वेदर फिनोमिना है, लाइटनिंग है, थंडर है, वहां पर साइक्लोन है, वहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहे हैं, उसी के साथ साथ वहां पर विंड का एयर का वर्टिकल राइज हो रहा है। ये सारी कंडीशंस हैं और जब ये सारी कंडीशंस होंगी तो इट इज नॉट परफेक्ट कंडीशन फॉर द एरोप्लेन के जो फ्लाइंग जोन है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए परफेक्ट कंडीशन नहीं है, याद रखना। समझ में आ गए? ठीक है, ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ओजोन लेयर के बारे में, तो ओजोन लेयर जनरली आपका कहां पर मिलेगी? लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी। अब आपके माइंड में आएगा सर इसका मतलब पूरे अर्थ के ऊपर, पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन कहीं और नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, बट इस अमाउंट में नहीं मिलेगी। यहां पर जो कंसंट्रेशन है ओजोन लेयर की वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं यहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि उसने एक लेयर बना ली है और वो लेयर जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, जिसके कारण इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करने के कारण जो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। याद रखना, समझ में आ गया ये पॉइंट? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अभी मैं आगे चल के आपको जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वहां पर स्टूडेंट को डाउट था टेम्परेचर को लेके, वो चीजें और मैं क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से। तीसरी लेयर मेरे सामने आती है, दैट इज नोन एज द मेसोस्फीयर। तीसरी लेयर आती है मेसोस्फीयर। कौन सी? मेसोस्फीयर। यहां पर क्या हो रहा है सर? सर मेसोस्फीयर की जो हाइट है वो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर है, याद रखना। 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर की जो हाइट है वो किसकी है? मेसोस्फीयर की है, जो कि थर्ड नंबर पर लेयर है, याद रखना। समझने की कोशिश करना, थर्ड नंबर की लेयर है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। कौन सी? मेसोस्फीयर। वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में, तो आपको बताना है सबसे कोल्डेस्ट लेयर है मेसोस्फीयर। सबसे ठंडा जो टेम्परेचर है, सबसे कम जहां पर टेम्परेचर होता है वो मेसोस्फीयर है, याद रखना। यहां पर टेम्परेचर -100 डिग्री तक चला जाता है, कहां पर? मेसोस्फीयर में। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैंने क्वेश्चन बता रहा हूं, याद रखना। आपके माइंड में आएगा कि सर हम इससे ऊपर तो थर्मोस्फीयर में भी जाएंगे तो ऊपर जाने से तो और टेम्परेचर कम होगा, उससे ऊपर और एक्सोस्फीयर में जाएंगे तो टेम्परेचर और कम होगा। नहीं, जो परफेक्ट कंडीशन है वो आपका टेम्परेचर कम होने की कहां पर मिलेगी? मेसोस्फीयर के अंदर। तो ये कोल्डेस्ट लेयर है जहां पर टेम्परेचर फॉल करता है, याद रखना। और सबसे कोल्डेस्ट लेयर मेसोस्फीयर है। आज मैंने क्वेश्चन दिया था आपका जो एमसीक्यू सीरीज थी, आप लोगों को पता होगा गाइज, आज मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है अचीवर सीरीज, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आज मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है अचीवर सीरीज। अब आप बोलोगे सर ये सीरीज क्यों स्टार्ट की है? गाइस आप बिलीव कीजिएगा, मैं आपको 4 सब्जेक्ट 4 कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मुझे कोई बोल भी नहीं रहा है कि आप पॉलिटी पढ़ाओ, इन्वायरमेंट पढ़ाओ। मेरा काम है सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाना। पॉलिटी मैंने खुद पढ़ाना स्टार्ट की है, इन्वायरमेंट मैंने खुद पढ़ाना स्टार्ट की है। रीजन है आप लोगों ने बहुत बोला कि सर पॉलिटी समझ आती है, पढ़ाइए। कल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सुबह 11 बजे वहां पर चीजें पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि कल थर्सडे है। आज इसलिए क्लास नहीं हो पाई, दशहरा के उससे कुछ छुट्टी थी तो टीम अवेलेबल नहीं हो पाई थी, किसी रीजन के कारण वो क्लास नहीं बन पाई थी। अदरवाइज कल से आपकी सुबह 11 बजे और एक नई सीरीज स्टार्ट की है दोपहर के 1 बजे मैंने, और इस दोपहर के 1 बजे में ये सीरीज बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी की ऐप पर, बिल्कुल फ्री। और ये अचीवर सीरीज जो है यहाँ पर सिर्फ आपको AM10 कोड यूज करना है और फ्री में अनअकैडमी ऐप पर जाना है, अनिरुद्ध मलिक सर्च करना है, मेरी प्रोफाइल को ज्वाइन करना है और 1 बजे वहां पर फ्री में रोज डेली क्वालिटी MCQ क्वेश्चंस करवाऊंगा ज्योग्राफी के, जहां पर आपके जितने क्वेश्चन होंगे ना उतने पूरे कंसेप्ट के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो पहली सीरीज ऐसी होगी इन द हिस्ट्री ऑफ YouTube या कहीं पर भी मान लीजिए जहां पर MCQ क्वेश्चंस के अंदर आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, वो उस डिटेल में है। बिलीव नहीं आ रहा है, जिन जिन स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा किस तरीके से चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं कि आप लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं बहुत मन से सारी चीजें वहां पर डिलीवर कर रहा हूं ताकि आपको सब चीजों की एक्सेस हो पाए, आपको सब चीजें मैं ही पढ़ा पाऊं। बट अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते, आप लोग इतने कम क्लास में आना चाहते हो, कल की स्ट्रेंथ कुछ और होती है, आज की स्ट्रेंथ कुछ और होती है, तो उसमें मजा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, तो रेगुलर आया करो। या तो आप ये बोल दिया करो कि सर एक दिन में टॉपिक कंप्लीट कर दीजिए, हमें दूसरे दिन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस एक दिन में टॉपिक को कंप्लीट कर दिया करेंगे। हाँ, विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो आपकी जो मीजोस्फीयर है 50 से 80 किलोमीटर की हाइट है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, याद रखना। उसी के साथ साथ गाइस आपने एक चीज देखी होगी, टूटता हुआ तारा, आपने एक चीज देखी होगी, टूटता हुआ तारा। तो वो तारा नहीं टूटता, वो एक मीट्रॉइड होते हैं। क्या होते हैं? मीट्रॉइड्स होते हैं। ये जो मीट्रॉइड्स होते हैं ना, ये बर्न होते हैं। मतलब क्या है, आपने उल्का पिंड इस टाइप से चीजें सुनी होंगी। तो हमारा जो स्पेस है ना, वहां पर स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट्स के बचे हुए पार्ट, जो हमारे प्लैनेट्स के बचे हुए पार्ट्स है ना, वो हमारे स्पेस में घूमते रहते हैं। बट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। तो जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ना, तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो तीसरी लेयर है मीजोस्फेयर, जब ये इसमें एंटर करते हैं, तो एंटर करने के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये जो मीट्रॉइड्स हैं, ये जल जाते हैं, ये बर्न हो जाते हैं। और जब ये बर्न होते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि तारा टूट रहा है। वो तारा नहीं टूटता। विशेष मांगना बंद कर दीजिए, कुछ भी पूरी नहीं होगी, बिलीव कीजिए, कोई भी विशेष पूरी नहीं होने वाली आपकी, कोई तारा कहीं से नहीं टूटने वाला, सिर्फ वो मीटियोर है। शुक्र कीजिए कि मीजोस्फीयर उसको बर्न कर देता है, अगर वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ ना, किसी दिन आपके ऊपर आके गिर जाएगा, सारी विशेष फिर कोई और ही मांगना ऊपर जाके, तो वो वाली कंडीशन आ जाएगी। वो मीट्रॉइड्स बर्न नहीं होता, वो आपका तारा नहीं टूटता, वो मीट्रॉइड्स है जो बर्न होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये मीट्रॉइड्स कंप्लीटली बर्न नहीं होता, ये अर्थ के सरफेस पर आकर गिर जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो जो मीट्रॉइड्स की बर्निंग है ना, वो कहां पर होती है? मीजोस्फीयर के अंदर होती है, ये चीजें याद रखना। जो मीट्रॉइड्स है उसकी जो बर्निंग होती है, वो मीजोस्फीयर के अंदर होती है। वहीं पर वो तारा जो टूटना वूटना आप बताते हो, सारे कंसेप्ट वहीं पर अकर करते हैं, ये चीजें याद रखना। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद हम तीसरी लेयर के बारे में हमने कवर कर लिया है। चौथी लेयर के बारे में बात करते हैं, दैट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है? अगर आपसे कोई पूछे हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे गर्म लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, कौन सी? आपकी थर्मोस्फेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज कर रहा है एज वी मूव अपवर्ड। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे, हमारा टेम्परेचर मीजोस्फीयर थर्मोस्फीयर में आके आपका डिक्रीज कर रहा है, ये चीज याद रखना। क्यों ऐसा हो रहा है गाइस, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां पर आपका पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, और इसी के कारण यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर बहुत कम है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ही कम है। मैंने क्या बताया था कल की क्लास में कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स सरफेस पर वीक होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स सरफेस पर स्ट्रॉन्ग होती है। हमारा जो अर्थ का सरफेस है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, सबसे ज्यादा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती चली जाएगी, और वहीं पर हमारे टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर पर गैसेस बहुत ही थिन होती है, बहुत कम गैसेस होती है, जिसके कारण जो सोलर रेडिएशन है, वो डायरेक्टली उस वाले एरिया में इंपैक्ट करता है, जिसके कारण जो हमारा थर्मोस्फीयर है, इसकी जो हाइट है, वो 80 से लेके 400 किलोमीटर तक आपकी फैली हुई है। और इसी लेयर के अंदर एक लेयर और लाई करती है, जिसका नाम है आयनोस्फीयर। और ये आयनोस्फीयर रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इसी थर्मोस्फीयर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट है, और ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या करते हैं, जो नीचे से सैटेलाइट जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, जो नीचे से सिग्नल्स भेजे जाते हैं, और यहीं पर इसी लेयर में सैटेलाइट को रखा जाता है और ये सैटेलाइट इन सिग्नल्स को वापस रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो याद रखना, अगर यहाँ पर जो लेयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, याद रखना। क्लियर है? वहीं पर इस लेयर के अंदर अगर कोई पर्सन खड़ा है, पर्सन अगर खड़ा है तो यहाँ पर उसको गर्मी फील नहीं होगी। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बट उसको गर्मी बहुत ज्यादा फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर बहुत कम है। रीजन है यहाँ पर गैसेस बहुत कम है, गैसेस कम है तो प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर कम है तो कोई भी पर्सन अगर इस लेयर में खड़ा होगा तो उसको बहुत गर्म फील नहीं होगा, जबकि ये लेयर हॉटेस्ट लेयर है, याद रखना। समझ में आ गया? वहीं पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो आप स्पेस में या एटमॉस्फेयर में प्लेस करते हो तो वो इसी थर्मोस्फेयर वाली लाइन में आप प्लेस करते हो। ये चीजें याद रखना। कहां पर प्लेस करते हो? सर थर्मोस्फेयर वाली लाइन में आप प्लेस करते हो, याद रखना। समझ में आ गया? क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। जो अरोरा है वो भी इसी लेयर में होता है। अरोरा है, आपने देखा होगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरोलिस। वहां पर क्या होता है कि जो सन से आपकी रेज आती हैं, वहां पर जब वो चार्ज पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं तो वहां पर क्या होता है, लाइटनिंग दिखती है आपको, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल लाइटनिंग दिखती है। वो आपको नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल वाले एरिया में देखने को मिलेगी और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल वाले एरिया में। तो ये आपका अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरोलिस कहा जाता है। तो अगर आपका एक जगह अरोरा ऑस्ट्रेलिस होगा और एक जगह अरोरा बोरोलिस होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारी तीसरी लेयर आती है, उस तीसरी लेयर का नाम है एक्सोस्फीयर। उस तीसरी लेयर का नाम है एक्सोस्फीयर। उस तीसरी लेयर का एग्जाम्पल है एक्सोस्फीयर। अभी मैं आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ाऊंगा कि टेम्परेचर का रोल क्या हो रहा है, सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत अच्छे से कि टेम्परेचर का क्या रोल हो रहा है, कैसे कैसे चीजें आकर कर रही हैं, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ विंड्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये चीजें याद रखना। ठीक है? तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है? ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है? सर एक्सोस्फीयर हमारी सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे अपरमोस्ट लेयर है। ये अपरमोस्ट लेयर जो हमारा थर्मोस्फीयर है, दैट मीन 400 किलोमीटर की जो हाइट है उससे ऊपर तक का जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां पर हमारा क्या चीज है, आपकी एक्सोस्फीयर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो गैसेज हैं वो बहुत ही रेरिफाइड गैसेज हैं। गैसेस क्या है? बहुत ही रेरिफाइड गैसेस है, मतलब यहाँ पर बहुत ही कम गैसेस हैं। यहाँ पर आपको बहुत लाइटर गैसेस मिलेंगी, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी बहुत हल्की गैसेस मिलेंगी जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप होकर ऊपर की तरफ अपर एटमॉस्फेयर में आ चुकी है। ये चीज याद रखना। समझ में आ गया? और यहाँ पर क्या है, सन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है एज वी मूव अपवर्ड। जैसे ही हम ऊपर की तरफ हाइट पर जाएंगे, इस लेयर के बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और वहीं पर ये लेयर जो है, ये जो आपका एक्सोस्फीयर है, ये लेयर कोइंसाइड करती है। क्या करती है? कोइंसाइड करती है किसके साथ? ये कोइंसाइड करती है आपका स्पेस के साथ। दैट मीन्स यहाँ पर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, याद रखना। क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पेस स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ एक लाइन और आती है, दैट इज नोन एज द करमाल लाइन। एक लाइन आती है करमाल लाइन, और वो करमाल लाइन आपकी लाई करती है कहां पर? थर्मोस्फीयर में। करमाल लाइन क्या होती है, एक बार ये देख लीजिए। करमाल लाइन होती है मतलब एक ऐसी लाइन जो 100 किलोमीटर से ऊपर की तरफ, ये लाइन है करमाल लाइन जो 100 किलोमीटर की हाइट पर है, और इससे ऊपर की तरफ अगर कोई भी इंसान जाएगा तो हम बोलेंगे कि स्पेस स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर इससे ऊपर कोई भी पर्सन जाएगा तो वो एस्ट्रोनॉट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एस्ट्रोनॉट बोला जाएगा। और इससे नीचे है तो ह्यूमन बीइंग है, और इससे ऊपर है तो वो एस्ट्रोनॉट बोला जाएगा। और जो लाइन इस चीज को डिमार्केट करती है, उस लाइन को बोलते हैं करमान लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं? करमान लाइन। और ये 100 किलोमीटर से ऊपर की तरफ जो लाइन है उसको करमान लाइन बोला जाता है, याद रखना। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला, हेट्रोस्फीयर बोला जाता है। हिमांशी बिल्कुल सही बोला, उसको हेट्रोस्फीयर बोला जाता है। देखिए दो चीजें होती हैं, अगर आप चीजों को अच्छे से समझोगे ना, तो मैंने सब चीजें यहाँ पर रखी है, मैं सब चीजें आपको बताने वाला हूँ कि क्यों उसको हेटरोस्फीयर बोला जाता है, क्यों क्या क्या चीजें बोली जाती है। देखिए अगर हम चीजों को समझे तो यहाँ पर जो हमारा नीचे का एरिया है उसको बोला जाता है होमोस्फेयर। क्या बोला जाता है? होमोस्फेयर। समझने की कोशिश करना, नीचे का जो हिस्सा है मान के चलिए ये हमारी थर्मोस्फेयर है, यहाँ का जो एरिया है इसको बोला जाता है होमोस्फेयर, और इससे ऊपर का जो हिस्सा है इसको हेटरोस्फेयर बोला जाता है। होमोस्फेयर मतलब यहाँ पर जो गैसेस का कंसंट्रेशन है, जो यहाँ पर गैसेस का कंसंट्रेशन है वो एक्चुअली सेम बताते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा सेम है, और हेटरोस्फेयर में बहुत ही अनइवन कंसंट्रेशन है, लाइटर गैसेस हैं, बहुत ही रेरिफाइड गैसेस हैं, तो इसी वजह से जो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है दैट इज नोन एज द हेटरोस्फेयर, और वहीं से जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर है इट इज नोन एज द होमोस्फेयर। इसको होमोस्फेयर बोलते हैं। करमान लाइन को दोबारा बता दूं, दोबारा समझाता हूं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस अभी समझने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एरिया में होता है, क्योंकि फिर हम बहुत ही आगे चले जाएंगे। जब 11th क्लास और आगे की एनसीईआरटी होगी वहां पर 9th क्लास, वहां पर हम इन चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा सर करमान लाइन के बारे में बता दीजिए। देखिए गाइज यहाँ पर ये हमारी लेयर है एटमोस्फेयर में, समझने की कोशिश करना, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर में हमारी लेयर्स बनी हुई हैं अलग अलग, बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो इसी एटमॉस्फेयर में यहाँ पर ये 100 किलोमीटर की लाइन है, और ये 100 किलोमीटर की लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं करमान लाइन। क्या बोलते हैं? करमान लाइन। करमान लाइन, ये करमान लाइन एक ऐसी लाइन है कि अगर आप इससे ऊपर चले जाओगे तो दैट मीन्स यहाँ पर स्पेस स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप इससे ऊपर हो तो आप एस्ट्रोनॉट कहलाए जाओगे, क्योंकि अगर एक ह्यूमन बीइंग स्पेस में चला जाता है तो हम उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये करमान लाइन एक ऐसी लाइन है, इससे ऊपर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस है, तो इससे ऊपर का जो इंसान है वो एस्ट्रोनॉट होगा, और इस करमान लाइन से नीचे है तो वो ह्यूमन बीइंग कहलाया जाएगा, याद रख। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आप यहां पर देख रहे हो चीजों को बहुत अच्छे से। मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जाने से टेम्परेचर घटेगा। ये चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी, सभी लोगों को समझाई थी। हाइट पे जाने से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ये बताया था या नहीं बताया था मुझे बताइए? बताया था। बट यहां पर ये जो आप इमेज देख रहे हो इस तरीके से, ये आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगी चीजों को दोबारा समझने के लिए कि सर ये क्या हो रहा है। यहां पर ये हाइट है, यहां पर ये हाइट है, और यहां पर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप इस पॉइंट पर चलोगे, और मैं बोल रहा हूं कि यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझने की कोशिश करना, तो यहां पर माइनस में टेम्परेचर होगा। यहां पर मान के चलिए 30 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर होगा 20 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर -10 डिग्री, यहाँ पर -20, यहाँ पर -40, यहाँ पर -60 और यहाँ पर -80। इस तरीके से टेम्परेचर यहाँ पर कम होता जा रहा है और ऊपर की तरफ हाइट बढ़ती जा रही है। अब आके चीजों को समझिए मेरे साथ बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए गाइज मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर घटेगा। मैंने पढ़ाया था लैप्स रेट के बारे में। लैप्स रेट के बारे में आपको पढ़ाया था कि हर एक किलोमीटर ऊपर जाने पर हमारा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर हम ऊपर आए हैं कहां पर? स्ट्रेटोस्फेयर में। यहां पर देखिए ट्रोपोस्फेयर में, तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने से टेम्परेचर घट रहा है। यहां पर देखिए ऊपर जाने से ये टेम्परेचर घट रहा है, ये देखिए, समझ में आ गया। उसके बाद आएगी ट्रोपोपॉज, उसके बाद आएगी ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वो लेयर है जो कि बेसिकली डिमार्केट करती है, सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को। मतलब इससे ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर है, उससे नीचे आओगे तो ट्रोपोस्फेयर है। तो यहां पर टेम्परेचर रहेगा कॉन्स्टेंट, यहां पर टेम्परेचर रहेगा कॉन्स्टेंट। ये देखिए टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट, कहां पर? ट्रोपोस्फेयर में, वहीं पर ट्रोपोपॉज में, सॉरी। ठीक है, ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर कांस्टेंट। अब आप देखोगे स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां पर हमारा टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। सर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए था, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए था। हमने आपके सामने एक बार चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, हमने बताया था ऊपर जाने से टेम्परेचर घटना चाहिए, बट यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हुआ, टेम्परेचर दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर है, उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर जब इस लेयर के अंदर प्रेजेंट है तो इस ओजोन लेयर पर, यहाँ पर अगर ये ओजोन लेयर है इस तरीके से, तो इस ओजोन लेयर पर जब सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगी तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो इसी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर आपका ऊपर जाने से डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होता है, और जब हमारा टेम्परेचर ऊपर जाने से इंक्रीज होता है कंपेयर टू डिक्रीज होने के, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आप टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि आपका जो लैप्स रेट है वो नेगेटिव है। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि जो लैप्स रेट है वो क्या है, नेगेटिव है। लैप्स रेट क्या है, नेगेटिव है, ये चीज याद रखना। तो दैट मीन्स ऊपर जाने से ट्रोपोस्फेयर में तो डिक्रीज हुआ, जनरली होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि भैया सिंपल सा पॉइंट है ओजोन लेयर। उसके बाद हमारा फिर उसके बाद आया मीजोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज वो लेयर है जिसके ऊपर आपका मीजोस्फीयर है और उसके नीचे स्ट्रेटोस्फीयर है। उसके बाद यहाँ पर जो मीजो स्ट्रेटोपॉज है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद मीजोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया, घटना स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। क्यों डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया? हमने यहाँ पर पढ़ा था लैप्स रेट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? लैप्स रेट का कंसेप्ट। और याद रखना ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी लेयर है, आपको याद रखनी है ये वाली। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर मीजोस्फीयर से मीजोपॉज पर आए तो यहाँ पर दोबारा कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। उसके बाद टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया थर्मोस्फीयर में, क्योंकि थर्मोस्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और बहुत ही रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण सन की हीट डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही है, टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पर? मीजोस्फीयर में। और याद रखना इट इज द हॉटेस्ट लेयर, सबसे हॉटेस्ट लेयर है आपकी मीजोस्फीयर। और उसके बाद हम जाएंगे एक्सोस्फीयर में, तो टेम्परेचर यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही रेरिफाइड गैसेस है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज होता है, ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है बहुत अच्छे से। समझ में आ गया? यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट आगे चलें। अब हम आगे की तरफ बात करेंगे, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में कि रेनफॉल होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं, विंड कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करूंगा कि आपका क्या चीज कैसे है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर से रिलेटेड बात करते हैं। कल की क्लास में जिस जिस स्टूडेंट को जो भी डाउट थे वो आज की क्लास के अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, मुझे बता दीजिए फटाफट। कल जिस जिस स्टूडेंट को जो जो डाउट थे वो आज की क्लास के अंदर उनके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, फटाफट जल्दी से बता दीजिए। एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, किसी को भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो तो वो मुझे बता सकता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, वैसे है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई है? अरे भाई वो एस्ट्रोनॉट जो सूट पहनते हैं ना, वो ऐसा होता है कि वो बाहर के टेम्परेचर से इंपैक्ट ही नहीं होता, उनको ठंडा गर्म ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट ऐसा सूट होता है, ऐसे होता है कि वो प्रेशर को भी मेंटेन करता है, क्योंकि हमारी जो प्रेशर को भी मेंटेन नहीं करेगा तो हम ऊपर जाके फट जाएंगे, क्योंकि जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है ना, हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही है। ऊपर जाने से प्रेशर कम हो जाएगा और हमारी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है, हमारी बॉडी भी तो अंदर से प्रेशर लगा रही है ना, और हमारा बाहर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैलेंस हो रहा है, बट ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो हमारी बॉडी से इंटरनल प्रेशर ज्यादा लगेगा, बाहर का प्रेशर कम होगा, हमारी बॉडी फट के बिखर जाएगी अगर हम बिना सूट के चले जाएंगे, जो एस्ट्रोनॉट का सूट होता है, याद रखना। समझ में आ गया? क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। मतलब कोई भी चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, उसका जो डिग्री है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। समझ में आ गया। जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में वो चेंज डे और नाइट में नहीं होता, बल्कि सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। क्योंकि अगर दिन और रात है तो सर्दी के दिन रात और गर्मी के दिन रात है, तो दोनों में दिन रात, बट सीजन चेंज हो रहे हैं। सीजन चेंज होने से जो सन की इंसुलेशन है वो ज्यादा और कम पड़ रही है, मतलब डायरेक्ट पड़ रही है या किसी एंगल के साथ पड़ रही है, जिसके कारण जो टेम्परेचर में चेंज आता है वो सिर्फ दिन और रात के कारण नहीं आता, वो सीजन के चेंज होने के कारण भी आता है। दैट मींस कि हमारी जो इंसुलेशन है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कितनी आ रही है, उस बेसिस पर भी टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ता है। इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हमारी अर्थ के ऊपर कितनी सोलर रेडिएशन आ रही है उसको इंसुलेशन बोलते हैं, याद रखना। वहीं पर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटर पर सन की रेस सीधी पड़ती है और पोल पर वो स्लैंटिंग पड़ती है। ये चीजें याद रखना। वहीं पर जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ये डिग्री है जिसमें आपका टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, याद रखना। उसके बाद आता है एयर का प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है आपको बताना है। सर एयर प्रेशर का मतलब है कि जो वेट ऑफ एयर है, समझने की कोशिश करना, वेट ऑफ एयर, एक जो एयर है उसका वेट कितना लग रहा है पर एक एरिया है, उस एरिया पर अगर मैं बात करूं पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया है, एक हमारे पास एरिया है, उस एरिया में आपका जो एयर है उसका प्रेशर कितना लग रहा है, उसको बोलते हैं हम एयर का प्रेशर। तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस पर एयर कितना वेट लगा रही है उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। ये चीज याद रखना, एयर कितना प्रेशर लगा रही है अर्थ के सरफेस पर, दैट इज नोन एज द एयर प्रेशर। क्लियर है। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द गिवन प्लेस। मतलब अगर हम बोले कि हमारा ये एरिया है, यहाँ पर एयर का प्रेशर कुछ और है, यहाँ पर एयर का प्रेशर कुछ और है, तो ये डिपेंड करता है उस एरिया का टेम्परेचर कितना है। अगर किसी भी एरिया का, समझने की कोशिश करना, अगर किसी भी एरिया का टेम्परेचर लो है, किसी भी एरिया का टेम्परेचर लो है, तो यहाँ की जो हवा है वो ठंडी होगी और कोल्ड एयर ऑलवेज डिसेंड करेगी, और जब एयर डिसेंड करेगी तो यहाँ पर ज्यादा एयर आएगी, जिसके कारण उनके बीच में प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और जहां पर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो एयर भी गर्म होगी, और गर्म एयर हमेशा राइज करती है ऊपर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ राइज करेगी तो नीचे की तरफ कम होगी एयर, गैसेस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, उनके बीच में प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी आपका लो होगा। ये चीज याद रखना। और जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एयर का जो मूवमेंट है, याद रखना जो एयर है वो आपका कैसे मूव करती है, वो मूव करती है ऑलवेज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वो आपका मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अगर हम बात करें विंड की, समझने की कोशिश करना, मैं आपको बोलूं विंड, अगर मैं आपसे बोलूं विंड और एक तरफ मैं बोलूं एयर, तो आपको याद रखना है जब भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा उसको विंड बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और वहीं पर जब भी वर्टिकल मूवमेंट होगा उसको हम एयर बोलेंगे। वर्टिकल मूवमेंट को एयर और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को विंड, यानी कि जो विंड है वो ऑलवेज मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। याद रखना विंड ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर ये एक एरिया है और ये वाला मेरे पास एक दूसरा एरिया है, समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, यहाँ पर मैं इन दोनों एरिया को कनेक्ट कर देता हूँ। ये है मेरे पास रूम 1 और ये है मेरे पास रूम 2। यहाँ पर है 100 स्टूडेंट और यहाँ पर है 20 स्टूडेंट। तो आप बताइए कौन से स्टूडेंट किस रूम में जाएंगे, स्टूडेंट कौन से रूम में जाएंगे, फटाफट जल्दी से बताइए। क्वेश्चन इस टॉपिक के बाद, बताइए कौन से रूम में जाएंगे स्टूडेंट। आप बोलोगे सर स्टूडेंट जाएंगे इस 100 रूम से 20 रूम की तरफ। क्यों? क्योंकि जो 100 रूम स्टूडेंट है ना इस रूम में 100, उनके बीच में जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, हाई प्रेशर है, तो वो कहां पर जाएंगे जहां पर कम है। तो यहाँ पर 20 स्टूडेंट है, यहाँ पर लो प्रेशर है। सेम इसी तरीके से जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं वो उधर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर वो कम है, और इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड मूव करती है, याद रखना, हमेशा विंड मूव करती है, याद रखना, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर इज कॉल्ड एज विंड। याद रखना, विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल चलेगी और एयर हमेशा वर्टिकल चलेगी, यानी कि या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये चीजें याद रखना। ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। उस टाइप्स ऑफ रेनफॉल को पढ़ने से पहले हम मॉइस्चर को पढ़ लेते हैं कि ये मॉइस्चर क्या होता है। अरे यार, आप लोग क्लास को डिस्टर्ब क्यों करने आ जाते हो? मुझे बहुत ही बुरा फील होता है कि मुझे कभी कभी तो है ना इतना इरिटेशन होता है कि मैं चलती हुई क्लास को ना बंद कर दूं। बिलीव मी, आप लोग बोल दिया थोड़ी देर रुक जाइए, जब अपना क्वेश्चन पूछ लेना या क्वेश्चन को टाइप कर दो। यार सुबह 8 बजे क्लास होती है 2 घंटे की, 10 बजे तक। 11 बजे क्लास होती है 1.5 घंटे की, 1 बजे क्लास होती है 1.5 घंटे की, रात को 9 बजे क्लास होती है, दिन में कंटेंट बनाना, 6 घंटे की क्लास लेना, इतना हैक्टिक हो जाता है। और उसके बाद ऐसी चीजें, वो ओवर हैक्टिक हो जाता है। उसके बाद सपोर्ट नहीं, वो चीजें, क्वेश्चन है तो पूछ लिया करो, लिख दिया करो, अननेसेसरी बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो और किस तरीके के इंसान हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। अब आप इसी तरीके से चीजें तो आप देख लीजिए क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो गाइज अभी आ जाइए टॉपिक के ऊपर। आप लोगों के जिसके भी जो जेन्युइन क्वेश्चंस है उसके क्वेश्चंस हम थोड़ी देर बाद ले लेंगे, ठीक है। ओके, आ जाइए, कोई नहीं परेशान होने दीजिए, क्वेश्चन पूछने दीजिए, आ जाइए। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर के बारे में कि मॉइस्चर है क्या। देखिए गाइज, मॉइस्चर क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर ये वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये वाटर प्रेजेंट है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा सन है, सन से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएगी, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएगी तो ये वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और वाटर इवेपोरेट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो क्या है, मॉइस्चर ही तो है। जो हमारी एयर है, जो हमारा पूरा एटमोस्फेयर है, उसमें जो वाटर वेपर है वो मॉइस्चर की फॉर्म में ही तो है, वो वही तो है। सो व्हेन वाटर वेपर इवेपोरेट from land and other water bodies it becomes water vapor, and moisture in the air at any time is known as the humidity. जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जब भी हमारी एयर के अंदर ये मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ये वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। हम बोलते हैं कि यार आज बहुत ह्यूमिडिटी है, आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। रीजन है कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। कभी भी आप अगर देखोगे सर्दियों में कभी भी आपको ह्यूमिडिटी नहीं लगेगी, कभी भी विंटर के सीजन में आप ये नहीं बोलोगे कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। जिस दिन बहुत ज्यादा गर्मी होगी उस दिन आप बोलोगे कि यार आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आज गर्मी तो है बट चिपचिपापन भी बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जिस दिन हाई बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो वाटर वेपर मॉइस्चर की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। और जब वो एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वो हमारी बॉडी पर चिपचिपापन और इस तरीके से क्रिएट करेगा, और उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो दैट मीन्स मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ये ह्यूमिडिटी अलग अलग टाइप से होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। तो जब हमारा वाटर वेपर, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर सुनिएगा बहुत डिटेल में, यहाँ पर बहुत डिटेल में सुनिएगा। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी जो मैं आपको पॉइंट इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आइए और बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना। देखिए, समझना, यहाँ पर ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है और यहाँ पर ये हमारे पास वाटर बॉडी है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर हमारे पास वाटर बॉडी है, ये वाटर है, यहाँ पर ये वाटर है पूरे में, और यहाँ पर ये लेक है, यहाँ पर भी वाटर है किसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सूरज सन है, सन रेज है, सन की रेज के कारण ये वाटर वेपर इवेपोरेट होगा, और ये वाटर वेपर हमारा यहाँ पर आ चुका है, वाटर वेपर यहाँ पर आ चुका है। तो अब ये वाटर वेपर कहाँ पर है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ चुका है, यहाँ पर ये वाटर वेपर आ चुका है एटमॉस्फेयर में, और जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वहीं पर अभी मैंने आपको बहुत देर से बार बार बता रहा हूँ लैप्स रेट के बारे में, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब ये जो हमारा वाटर वेपर है, ये भी तो गर्म होके, जो वाटर है, जब हमारी हवा जो एयर है वो वार्म होगी, वार्म एयर क्या होगी, गर्म होगी, ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ये अपने साथ मॉइस्चर को भी लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई है। वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये वाटर वेपर जब एयर के साथ ऊपर चलेगा, अब वाटर वेपर के साथ जब ये वार्म एयर है, वार्म एयर भी ऊपर जाएगी, बट ऊपर जाने से तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, तो ऊपर जाने से एयर ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर आकर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारी एयर क्या हो जाएगी, एयर ठंडी हो जाएगी, और अब जो एयर थी वो ठंडी हो गई। तो जो हमारा टेम्परेचर देने से क्या हुआ था, यहाँ पर वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ था, ऊपर जाने से तो टेम्परेचर दोबारा कम हो गया। अब दोबारा कम हो गया तो वाटर वेपर दोबारा किस फॉर्म में आ जाएगा, दोबारा वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो जब वो वाटर की फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेगा, इस तरीके से क्या बना लेगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स, और जब ये वाटर की ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाएंगी तो ये क्या बना लेंगे, क्लाउड्स बना लेंगी, क्या बना लेंगी, क्लाउड्स बना लेंगी। अब जो ये क्लाउड्स है ये इतने हैवी हो जाएंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर ये होल्ड नहीं रह पाएंगे। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, हमारी ग्रेविटी अर्थ की नीचे की तरफ लग रही है, तो जो क्लाउड बने हैं ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये सारा पानी अब रेनफॉल की फॉर्म में हमारी सरफेस पर दोबारा आ जाएगा, हमारी सरफेस पर दोबारा आ जाएगा, ठीक है, हमारी सरफेस पर दोबारा आ जाएगा। समझ में आ गया। और कंडेंसेशन होगा, मतलब जो ये वाटर वेपर ऊपर गए हैं, टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेंगे, ड्रॉपलेट्स बनेंगे, और वो ड्रॉपलेट्स किसके ऊपर बनेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स है। अब आपकी जो ड्रॉप्स हैं कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेंगी ना, इतने ऊपर एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं तो इनको रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए जहां पर ये रेस्ट कर सके, और वहां पर है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जो कल की क्लास में पढ़ाया था। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मतलब डस्ट पार्टिकल्स इस तरीके से, और इनके चारों तरफ वो वाटर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर डिपॉजिट हो जाएगा तो वाटर की ड्रॉपलेट्स, अब ये सारी ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड बना लेंगी। अब ये क्लाउड बन गया तो क्लाउड क्या है, वाटर ही तो है, बट ये इतना हैवी हो चुका है, अब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं रुक पाएगा, अब ये सारा पानी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, और यही इसी तरीके से हमारी रेनफॉल आती है। अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कि हमारी रेनफॉल कितने टाइप की होती है, ठीक है, समझ में आ गया। दो टॉपिक और है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल और उसके बाद टाइप्स ऑफ विंड, और उसके बाद कुछ नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट के टॉपिक और आ गया। एसिड रेन क्या होती है, अरे भाई एसिड रेन कुछ नहीं होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, और जब हमारा वाटर इन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो जब रेनफॉल होती है तो उस रेनफॉल में एसिड्स होते हैं, जिसके कारण हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। ये चीज आपको बस समझनी है, ठीक है। अब आइए टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में बात करते हैं, कि हमारी रेनफॉल कितने टाइप्स की होती है, हमारी रेनफॉल कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल 3 टाइप की रेनफॉल होती है। सबसे पहले होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरे नंबर पर आपकी जो रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारी जो रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। तो याद रखना हमारी 3 टाइप की रेनफॉल होती है, याद रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल बेसिकली जो आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल है ना, इसी में आ जाती है आपकी, या जो साइक्लोनिक रेनफॉल है इसी के अंदर फ्रंटल रेनफॉल भी आ जाती है। जो टेम्परेट साइक्लोन है वो इसी टाइप की रेनफॉल के कारण आते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो फ्रंटल टाइप की रेनफॉल के कारण ही आते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है यार, मानसूनल रेनफॉल में सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइए, सारी चीजें पढ़ाऊंगा क्या होता है कैसे होता है। अब मैं आपके सामने रेनफॉल के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे होती है? यहाँ पर ये एक टाइप की रेनफॉल है, सबसे पहले कन्वेक्शन, उसके बाद ओरोग्राफिक रेनफॉल है और तीसरे नंबर पर है आपकी फ्रंटल रेनफॉल। देखिए गाइस, कन्वेक्शनल रेनफॉल हमेशा याद रखना उस एरिया पे होगी नियरली इक्वेटर के पास, जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस एरिया में कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलेगी। जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर है, जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलेगी। कैसे? यहां पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी लैंड के ऊपर। कहां पर? इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। वहां पर सन की रेज जब डायरेक्टली पड़ेंगी ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ का जो लैंड एरिया है और यहाँ पर जो वाटर बॉडी है ये बहुत गर्म हो जाएंगी, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है। सन की रेज जब डायरेक्टली पड़ेंगी तो ये वाला एरिया बहुत गर्म हो जाएगा, तो यहाँ का जो वाटर वेपर है, जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। यहाँ का जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। तो अब ये वाटर वेपर है, इवेपोरेट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर ऊपर जाने से ठंडा होगा, ठंडा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो वहां पर उसकी कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर दोबारा वाटर की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वहां पर जब वो वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगी, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करने के बाद वो झमाझम रेनफॉल होगी और बहुत ही हैवी रेनफॉल होगी। बट जो हैवी रेनफॉल होगी वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होगी, बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगी, बट बहुत ही धुआंधार रेनफॉल होगी। ये चीज याद रखना। कहां पर होगी? ट्रॉपिकल रीजन में होगी, याद रखना, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसी वजह से वहां पर इस टाइप की रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिलती है। ये चीजें याद रखना। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक जो मैंने आपको बताया? ये क्यूम्लो निम्बस क्लाउड, ये आपके निम्बस क्लाउड, ये साइरस क्लाउड कहां पर बनते हैं हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर छोड़ दीजिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी में सब पढ़ा दूंगा ये सारी चीजें। यहाँ पर जितना जरूरी है उससे 10 स्टेप आगे चल रहे हैं, 2 स्टेप भी नहीं, 10 स्टेप आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कन्वेक्शन रेनफॉल। कन्वेक्शन रेनफॉल जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पर रोज डेली होती है। रोज डेली क्या होता है कि दोपहर के 12 बजे सन बिल्कुल ऊपर होता है इक्वेटर पर, और जब सन बिल्कुल ऊपर होगा तो यहाँ का नीचे का जो अर्थ का सरफेस है, यहाँ की जो वाटर बॉडी है वो बहुत गर्म हो जाएगी, जिसके कारण एयर राइज होगी। राइज होने के बाद ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, उसके साथ वाटर वेपर है, वाटर वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ठंडा होगा, ठंडा होके कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होके वाटर वेपर दोबारा वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलके क्या बना लेंगे? क्लाउड बना लेंगे। अब वो क्लाउड इतना भारी हो चुका है कि वहां पर रुक नहीं पाएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस रेनफॉल होगी। 12 बजे सन डायरेक्टली ओवरहेड है और रोज डेली दोपहर के और शाम के 4-5 बजे वहां पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है विथ लाइटनिंग एंड थंडर। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वहां पर वो लाइटनिंग एंड थंडर के साथ जो हैवी रेनफॉल होती है वहां पर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। याद रखना, कन्वेक्शन रेनफॉल उसी एरिया में होगी जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, वार्म एयर राइज करेगी, ऊपर जाकर क्लाउड, रेनफॉल थोड़ी देर के लिए होगी बट बहुत हैवी होगी। समझ में आ गए? क्लियर है? अब हम बात करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। इंडिया में जो मानसूनल टाइप की रेनफॉल है उसके पीछे ये रेनफॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे है? मान के चलिए यहां पर है आपका लो प्रेशर, समझने की कोशिश करना लो प्रेशर, और यहां पर है आपका हाई प्रेशर, यहां पर है आपका हाई प्रेशर। हमारी जो विंड है, हमारी जो विंड है वो मूव करना चाहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बट जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है वहां पर रास्ते में उसको मिल गया कोई माउंटेन या कोई भी फिजिकल बैरियर। अब ये फिजिकल बैरियर और माउंटेन मिलेगा तो यहाँ पर ये विंड आके टकराएगी। अब ये विंड टकराएगी या तो इस माउंटेन को क्रॉस करके आगे चली जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस माउंटेन के साथ ये विंडवर्ड साइड में ये इस तरीके से राइज करना स्टार्ट कर देगी ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगी? राइज करना स्टार्ट कर देगी इस माउंटेन के ऊपर करना स्टार्ट कर देगी और जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ये माउंटेन कुछ हाइट पर होगा तो ऊपर जाने से क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर जो ये विंड है इसके अंदर मॉइस्चर होगा, बट ऊपर जाने से टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाकर कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होंगे तो क्या बन जाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर इस वाली साइड में रेनफॉल हो जाएगी। तो ये है आपकी विंडवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड में आपको अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी। इंडिया में कहाँ पर होता है, ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पर है वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये ऊपर जाकर राइज करती है, राइज करने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। इसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल को रिलीफ रेनफॉल। बिल्कुल सही बोला, रिलीफ रेनफॉल का मतलब है जो फिजियोग्राफिक रिलीफ फीचर है उसके कारण ये विंड ऊपर की तरफ राइज करेगी। वहीं पर ये जब विंड ऊपर की तरफ राइज की तो इस विंडवर्ड साइड में तो रेनफॉल कर दी, बट पॉइंट क्या है, जब ये विंड इधर की तरफ आती है वापस नीचे आती है तो सारा मॉइस्चर तो यहीं पर लेके आ गई, सारा मॉइस्चर तो यहीं पर रिलीज करके आ गई। तो यहाँ पर जो ये वाली साइड है जिसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, जिसको बोलते हैं रेन शेडो साइड, ये जो रेन शेडो एरिया है ये वाला एरिया ड्राई रहेगा। क्या रहेगा, ड्राई रहेगा। इसी वजह से जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसका जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर तो अच्छी खासी रेनफॉल होती है और ये वाला जो साइड है यहाँ पर ड्राई एरिया रहता है, सूखा एरिया रहता है, बहुत कम रेनफॉल होती है क्योंकि सारी रेनफॉल इधर वाले हिस्से पर हो जाती है और ये वाला हिस्सा ड्राई रहता है। समझ में आ गया ओरोग्राफिक रेनफॉल, कितने स्टूडेंट को समझ में आ गई ओरोग्राफिक रेनफॉल, कितने स्टूडेंट को समझ में आ गई मुझे बताइए फटाफट। ओरोग्राफिक रेनफॉल कितने स्टूडेंट को समझ में आ गई? ठीक है, ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। ओरोग्राफिक रेनफॉल सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई अच्छे से, यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करें। चलिए आगे चलते हैं। फाइन, क्लियर है। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप की रेनफॉल, दैट इज फ्रंटल रेनफॉल। ये फ्रंटल रेनफॉल जो है ना ये हाई लैटिट्यूड पर देखने को मिलती है। कहां पर, हाई लैटिट्यूड पर। सर क्यों हाई लैटिट्यूड पर क्यों देखने को मिलती है? हाई लैटिट्यूड पर इसलिए देखने को मिलती है, समझने की कोशिश करना, मान के चलिए ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पर यहाँ पर ये इक्वेटर है, यहाँ पर टेम्परेचर आपका इक्वेटर है ये, और ये वाला एरिया है पोल वाला एरिया। तो यहाँ पर इस हाई लैटिट्यूड पर अराउंड 40 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर यहाँ से जो एयर मास जाएगा वो गर्म होगा। यहाँ पर जो एयर मास है, एयर मास क्या होता है? एयर मास मतलब एक ब्लैंकेट, एक बहुत बड़ा मास है एयर का और जिसका टेम्परेचर फिक्स है। मान के चलिए मेरे पास ये एयर मास है और इस एयर मास का जो टेम्परेचर है पूरे का वो फिक्स है और ये एयर मास आपका कई सौ किलोमीटर तक फैला हो सकता है। और याद रखना जब यहां से कोई एयर मास जाएगा तो वो एयर मास इक्वेटर से जा रहा है, नीचे के सब ट्रॉपिकल एरिया से जा रहा है, तो यहाँ का जो एयर मास होगा वो वार्म होगा, उसका टेम्परेचर गर्म होगा। वहीं से एक एयर मास आ रहा है ऊपर की तरफ से, एक एयर मास आ रहा है ऊपर की तरफ से, ये पोल की तरफ से आएगा तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा? इसका टेम्परेचर कोल्ड होगा, इसका टेम्परेचर कोल्ड होगा। तो मतलब कि यहाँ पर ये एक एयर मास है और यहाँ पर ये दूसरा एयर मास है। ये वाला जो एयर मास है ये कोल्ड एयर मास है और ये वाला एयर मास है वार्म एयर मास। ठीक है, अब ये दोनों एयर मास आके टकराते हैं, ये दोनों एयर मास आके टकराते हैं, कोल्ड और वार्म एयर मास। ये कोल्ड एयर मास है और ये वार्म एयर मास है, यहाँ पर सुनने की कोशिश करना, ये वार्म एयर मास है। तो जो वार्म एयर मास इससे टकरा के ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ये वार्म एयर मास इससे टकरा के ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर हमेशा भारी होती है, कोल्ड एयर हमेशा भारी होती है, याद रखना, कोल्ड एयर हमेशा भारी होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और वार्म एयर, गर्म हवा हमेशा हल्की होगी। तो यहाँ पर ये कोल्ड एयर है, यहाँ पर ये वार्म एयर है, दोनों टकराती है, टकरा के वार्म एयर हमेशा ऊपर उठेगी। जब ये वार्म एयर ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने से ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऊपर जाकर क्या होगा, वाटर वेपर, वाटर के ड्रॉपलेट्स में कंडेंसेशन हो जाएगा और रेनफॉल होगी। और इस टाइप की रेनफॉल को क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। फ्रंटल रेनफॉल हमेशा याद रखना मिड लैटिट्यूड वाले एरिया में होती है, और जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं वो इसी टाइप की रेनफॉल के कारण आते हैं, याद रखना। और रीजन है वो इक्वेटोरियल रीजन में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से कोई एयर मास आएगा और यहां से कोई एयर मास आएगा, तो ये भी वार्म एयर मास होगा और ये भी वार्म एयर मास होगा, दोनों सेम एयर मास होंगे, तो दोनों में टकरा के कोई भी ऊपर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण रेनफॉल नहीं होगी। वहीं पर मिड लैटिट्यूड में एक ऊपर से जो एयर मास आएगा वो कोल्ड होगा, नीचे से वार्म होगा, वार्म वाला ऊपर उठ जाएगा और यहाँ पर झमाझम 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 रेनफॉल होगी इस वाले एरिया में। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। समझ में आया? अब मैं आगे चल के आपके सामने बताता हूं टाइप्स ऑफ विंड के बारे में कि हमारी विंड कितने टाइप्स की होती है, ये चीजें और इंपॉर्टेंट है। सर जो हमारी विंड है ना, हमने उसको 3 टाइप से डिवाइड किया है, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। जो विंड है ना, विंड हम क्या बोलते हैं, विंड का मतलब है एयर का मूवमेंट होना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, और वो हमेशा कैसे हो रही है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल मूव हो रही है, याद रखना, उसको विंड बोलते हैं। विंड 3 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी विंड जिनको प्लेनेटरी विंड भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट विंड, इनको परमानेंट विंड भी बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड। दूसरी है सेकेंडरी विंड, सेकेंडरी विंड इसको सीजनल विंड भी बोलते हैं, मतलब ये एक सीजन में ब्लो करती है, ऐसा नहीं है पूरे साल फ्लो करेंगी, एक सीजन आएगा उस सीजन के अंदर ये फ्लो करेंगी। फिर तीसरी आती है टर्चरी विंड, इसको लोकल विंड भी बोलते हैं, याद रखना, प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड और टर्चरी विंड। प्राइमरी विंड को परमानेंट विंड बोलते हैं, मतलब पूरे साल के साल ये हमारी अर्थ के ऊपर आपकी फ्लो करती रहेंगी। वहीं पर पीरियोडिक विंड और सीजनल विंड और सेकेंडरी विंड वो विंड होती है जो एक सीजन में, या तो विंटर सीजन में या समर सीजन में, एक टाइम पीरियड में ब्लो करेंगी। लोकल विंड और टर्चरी विंड वो विंड होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में आएंगी, ऐसा नहीं है कि अगर वो गर्मी में आ रही हैं तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर आएंगी, वो किसी छोटे से एरिया में आएंगी, या तो यूपी में आ जाएगी या बिहार में आ जाएगी या वेस्ट बंगाल में आ जाएगी या असम में आ जाएंगी, उस टाइप की विंड को बोलते हैं आपका लोकल विंड्स, याद रखना। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? एग्जाम्पल्स के बारे में बताता हूँ। जो हमारी प्राइमरी विंड्स हैं, परमानेंट विंड्स हैं, उसका एग्जाम्पल है ट्रेड विंड्स। आप यहां पर देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है, ये परमानेंट विंड है। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर सितंबर कुछ भी हो, ये इसी डायरेक्शन में और इसी तरीके से फ्लो करती रहेंगी, इसी डायरेक्शन में ब्लो करती रहेंगी, याद रखना। जब मैं आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाऊंगा आगे चल के तो ये कंसेप्ट और बेटर वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया? तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड है और ये साउथ ईस्टर्न विंड है, तो ये है आपकी ट्रेड विंड्स, और ट्रेड विंड्स एक परमानेंट विंड है जो परमानेंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। उसके बाद आती है वेस्टर्लीज। यहाँ पर ये वेस्टर्लीज है, कुछ भी हो जाए, दिन हो जाए रात हो जाए, दिसंबर हो जाए जनवरी हो जाए, कोई भी टाइम पीरियड हो जाए, इनकी डायरेक्शन वेस्टर्न डायरेक्शन में ही होंगी, तो ये वेस्टर्लीज भी परमानेंट विंड है। फिर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर है ईस्टर्ली विंड, ये ईस्टर्ली भी दोनों तरफ, चाहे नदर्न हेमिस्फीयर हो सदर्न हेमिस्फीयर हो, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स, कोई सीजन हो, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, दिन हो रात हो, सब टाइम पर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करेंगी, याद रखना। क्यों करेंगी, इसका आगे जानिए, इस चीजों के लिए आगे की क्लासेस मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज एग्जाम्पल है। दूसरी होती है सेकेंडरी विंड। सेकेंडरी विंड का मतलब है ये पर्टिकुलर किसी सीजन में ब्लो करती है। अगर आपसे पूछे कि सेकेंडरी विंड्स होती क्या है, तो आपको बताने से सेकेंडरी विंड तो किसी एरिया में किसी सीजन में ब्लो करती है। एग्जाम्पल है जैसे मानसूनल विंड, जो मानसून है वो क्या है, हमारी सेकेंडरी विंड का ही तो एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें, अगर आप मानसून के बारे में बात करोगे तो मानसून क्या है, एक सेकेंडरी विंड का ही तो एग्जाम्पल है। उसी के साथ साथ आपका लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी तो इसी का एग्जाम्पल है, मतलब एक बार जो विंड है वो सी से लैंड की तरफ और एक बार लैंड से सी की तरफ। दिन में क्या होगा, दिन में लैंड से सी की तरफ और उसके बाद नाइट में अपोजिट हो जाएगा। तो ये लैंड से सी की तरफ, सी से लैंड की तरफ, दैट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, ये उसी का एग्जाम्पल है। उसी के साथ माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, एक बार क्या होगा कि जो आपका वैली है उससे ऊपर की तरफ राइज करेगी और एक बार ऐसा होगा कि टॉप से लेके जो आपका है उसमें वैली की तरफ जाएगी, इसको बोलते हैं वैली और माउंटेन ब्रिज। ये क्यों होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम कैटाबैटिक विंड, एनाबैटिक विंड के बारे में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, तो ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया? माउंटेन और वैली ब्रिज, लैंड एंड सी ब्रिज, समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स को बोलते हैं टर्शरी विंड, मतलब किसी लोकल एरिया में जो विंड फ्लो करती है, किसी लोकल एरिया में जो विंड ब्लो करती है उसको बोलते हैं लोकल विंड्स, याद रखना। किसी लोकल एरिया में जो विंड ब्लो करती हैं उसको बोलते हैं लोकल विंड्स, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। किसी भी लोकल एरिया में जो विंड ब्लो करती हैं उनको लोकल विंड्स बोलते हैं, याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर है आपकी लू, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर लू, लू आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले पार्ट में देखने को मिलेगी। जैसे काल बैसाखी, ये आपको असम, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये मैंगो शावर है जो आपको केरला, कर्नाटका वाले रीजन में देखने को मिलेगी। उसी के साथ आपकी काल बैसाखी, उसी के साथ साथ बरदोली चीरा, ये आपकी असम में देखने को मिलेगी। वहीं पर आंधी, ये आपका डस्ट स्टॉर्म है जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में आती है। तो दैट मीन्स ये लू है ना, पूरे इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, एक सिलेक्टेड पार्ट में देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये लोकल विंड्स है। वहीं पर आपकी जो खमसीन है, वहीं पर आपकी चिनौक है, वहीं पर आपकी फ्योन है, सिरको है, खमसीन है, ये लोकल एरिया में ब्लो कर रही है। तो दीज आर द लोकल विंड्स, इनको क्या बोला जाएगा, लोकल विंड्स बोला जाएगा। ये लोकल एरिया में ही आती हैं, ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में ब्लो कर रही है, पूरे वर्ल्ड में फ्लो कर रही है। तो जैसे सिरको है ये सिर्फ सहारा में करेगी, फ्योन है ये एल्प्स और स्विट्जरलैंड में करेगी, चिनौक है ये यूएसए और न्यूजीलैंड, कनाडा में करेगी, लू है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर करेगी, मैंगो शावर्स कहीं पर करेगी, चेरी ब्लॉसम कहीं पर होगी। तो ये एक लोकल एरिया में है। सीजनल विंड के बारे में बता दिया, मानसून, मानसून क्या है, एक सीजनल विंड है, मतलब जब गर्मी का सीजन आएगा, कब, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इंडिया में मानसूनल विंड आएगी, उसके बाद वो वापस चली जाएंगी रिट्रीटिंग मानसून की फॉर्म में, तो एक सीजन में ही तो आ रही है, तो दैट इज नोन एज द सीजनल विंड, ये चीज आपको याद रखनी है। तो सीजनल विंड, लोकल विंड और परमानेंट विंड, ये तीनों टाइप की जो विंड है वो मैंने आपको बता दी, समझ में आ गया, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आती तो है बट एक सीजन में आती है ना, एक सीजन के अंदर आती है और काफी बड़े हिस्से में आती है। क्या मानसून विंड सिर्फ इंडिया में आती है? मानसून विंड तो आपकी इंडोनेशिया वाले पार्ट में भी आएगी, चाइना में भी आएगी, साउथ ईस्ट एशिया में भी आएगी, पाकिस्तान में भी आएगी, तो वो तो बहुत बड़े एरिया में आ रही है, बट वो सीजन में आ रही है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द सीजनल विंड, ओके, समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ, जो आपकी सेकेंडरी विंड्स है आर नोन एज पीरियोडिक विंड्स, ये भी चीजें याद रखना, ठीक है गाइस। तो यहां तक आपको चीजें मैंने अच्छे से बता दी हैं कि क्या है, कैसे कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो बहुत ही डिटेल के साथ हमारा ये अप्रोच, अभी तक हमने चीजें कवर की हैं। अब मुझे ये बता दीजिए आप लोगों को कितनी चीजें समझ में आई हैं और कितनी नहीं आई हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। तो क्वेश्चन क्लास 7 का चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज वाटर हाइड्रोस्फीयर के बारे में। उस सारी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आई एक बार पहले का चैप्टर देख लेना और मैं कोशिश करूंगा कि और डिटेल में आपके लिए चीजों को डिलीवर कर सकूं। उसी के साथ साथ गाइस एक बार आप थोड़ा सा टाइम टेबल के लिए देख लीजिए। हमारा सुबह 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM, मॉर्निंग में 8 AM हमारा चलता है प्लस कोर्स ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का प्लस कोर्स मॉर्निंग में। उसी के साथ साथ हमारा 11 AM में हमारे 2 सेशंस होते हैं। एक होगा मंडे से लेके वेडनेसडे तक, मंडे से वेडनेसडे इन्वायरमेंट चलता है और उसके बाद थर्सडे से लेके आपका सैटरडे तक आपका पॉलिटी चलता है। तो कल क्या है, कल आपका थर्सडे है, तो कल सुबह 11 बजे यूट्यूब के ऊपर आपका सुबह 11 बजे हमारा पॉलिटी चलेगा, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ठीक है। ओके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। उसके साथ साथ 11 AM पर हम प्लस का इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं ऐप पर। उसके बाद हम 1 PM पे मतलब आफ्टरनून में 1 बजे अनअकैडमी का जो ऐप है वहां पर फ्री क्लास चलेगी। अचीवर सीरीज स्टार्ट किया है, अचीवर एमसीक्यू ज्योग्राफी के, और ये बहुत ही क्वालिटी एमसीक्यू है। अचीवर 1 PM पर अनअकैडमी की ऐप पर फ्री क्लास है, कैपिटल AM 10 कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। और रात के 9 बजे हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे बहुत डिटेल के साथ। रात को 9 बजे हम एनसीईआरटी के चैप्टर 5 को कवर करेंगे, दैट इज वाटर। समझ में आ गया, क्लियर है। और गाइज उसी के साथ साथ यहाँ पर अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर ऑफर चल रहा है 50% का, तो आप AM 10 कोड यूज करके इस ऑफर को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हो तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चीजों को कहां पर क्या चीज कब करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लाइफ में है ना, लाइफ में जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान है ना, एक बहुत छोटा सा अंतर है, और वो बाद में जाके पता लगता है, बहुत बाद में, जब आप देखते हो ना कि यार लाइफ में पीछे जाके कि मैंने उस टाइम पर क्या स्टेप लिया था, कि मैं आज इस मोड़ पे हूं और मैं इस मोड़ पर हूं, बस इतना डिफरेंस है पॉइंट का। यहां से आप प्रिपरेशन करते जा रहे हो, इसी में अगर आप चले गए आगे की तरफ तो आप आगे इतना आगे निकल जाओगे कि प्रिपरेशन अच्छी भी कर रहे हो बट गाइडेंस के साथ नहीं, प्रॉपर कवरेज के साथ नहीं, तो आप अलग चले जाओगे और फिर लाइफ में आगे जाके सोचोगे। एक डायरेक्शन है ये वाली, यहाँ पर अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, प्रॉपर मेंटरशिप है, प्रॉपर चीजें हैं, प्रॉपर अप्रोच है, प्रॉपर डायरेक्शन है, तो फिर आपको चीजें पता लगेंगी कि यार क्या डिफरेंसेस थे, तो वो डिफरेंसेस पता लगा लीजिए, अभी पता लगा लीजिए, जितना जल्दी पता लग सके, आगे जाके फिर दिक्कत होगी, याद रखना, ठीक है। ओके, विदाउट सब्सक्रिप्शन सुबह 8 बजे की क्लास नहीं है, वो प्लस वालों के लिए, सब्सक्रिप्शन वालों के लिए। इंडियन ज्योग्राफी वहां पर पढ़ा रहा हूँ, कल मैं वहां पर पढ़ाऊंगा मानसून ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से, और यहाँ पर AM 10 कोड यूज करके जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले सकता है। और कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन में तो टेलीग्राम चैनल है, दैट इज unacademy_anirudh malik, ठीक है। इसको ज्वाइन करोगे तो सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा किसी भी तरीके से, कोई डाउट है सब्सक्रिप्शन में, मेंटरशिप में, सब चीजें। और ये कोड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेंटरशिप, और याद रखना कि कहाँ पर आपकी हेल्प हो पाएगी, ये चीजें भी पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी का सेशन यही खत्म करते हैं। 31 अक्टूबर से बैच आ रहा है, तो उसको मिस मत कीजिए। जो भी चीजें हैं 50% का सब्सक्रिप्शन पर ऑफ चल रहा है, वो भी अवेल कर सकते हो। तो अभी बाय, टेक केयर गाइज, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो एट 8 AM इन द मॉर्निंग। 11 AM हम पॉलिटी को कवर करेंगे, और उसके बाद हम आगे चल के बात करेंगे पॉलिटी के बाद आपका अचीवर सीरीज, और उसके बाद 9 बजे ज्योग्राफी की सीरीज को। तो बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइज। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, unacademy_anirudh malik, और अनअकैडमी ऐप को ओपन करके वहां पर फॉलो कर लीजिए, और सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट। और सेशन को लाइक, शेयर